राते राते दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। आज हम भगवान परशुराम जी की कथा का वाचन करेंगे। परशुराम जी ब्राह्मण थे, वे शस्त्र और शास्त्र के महान गुरु थे। क्षत्रिय ना होते हुए भी उनके अंदर क्षत्रिय के गुण थे। रामायण, महाभारत और कल्कि पुराण में उनका उल्लेख मिलता है। गुरु परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। प्रारंभ में उनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक परशु दिया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, दानवीर कर्ण जैसे महायोद्धा उनके शिष्य थे। परशुराम को भारद्वाज और कश्यप गोत्र के कुलगुरु भी मानते हैं। वे तपस्वी और तेजस्वी थे, उनको अमरता का वरदान प्राप्त था। महर्षि जमदग्नि द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ करने पर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम का जन्म हुआ। इस दिन परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। परशुराम जी की प्रारंभिक शिक्षा ऋषि विश्वामित्र और ऋषि के आश्रम में हुई। बचपन से ही वे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। उनके स्पर्श मात्र से कोई भी पशु उनके मित्र हो जाया करते थे। अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। ऋषि ऋचिक ने उन्हें शारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त था। ब्रह्म ऋषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णवी मंत्र प्राप्त हुआ था। परशुराम ने कैलाश गिरी शृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त की। दिव्यास्त्र विद्युद्भि नामक परशु प्राप्त किया था। शिवजी जी ने श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच स्तवराज स्त्रोत मंत्र कल्पतरु प्राप्त किया। शिवजी से उन्होंने अनेकों अन्य प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। परशुराम जी ने अपने ऋषि कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त की थी। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कलरई पायट्टू की शिक्षा शिवजी से प्राप्त की। विजय नाम का धनुष भी उन्हें शिवजी से ही प्राप्त हुआ था। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।